नमस्कार, मैं हूं माधुरी। एनीवन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे देश के नेताओं की, जिनके कांधों पर जनता के लिए काम करने का दायित्व होता है। इसके लिए उन्हें मोटी तनख्वाह तो मिलती ही है, साथ में मिलती है कई सारी सुविधाएं। उन्हें इतनी सारी सुविधाएं मिलना कहाँ तक वाजिब है, क्या कहती है देश की जनता इस मुद्दे पर, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट हम तो बोलेंगे। आज के इस कॉम्पिटिटिव माहौल में नेतागिरी है एक तरह का व्यवसाय ही है, और इंडिया में नहीं, हर सारे देशों में जो है ये नेतागिरी एक तरह का प्रोफेशन ही है। और नेतागिरी एक संवैधानिक पद है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सबकी सैलरी सेट होनी चाहिए। मेरे हिसाब से लगभग 80-85% राजनेता ऐसे हैं जो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। मुझे आज तक ऐसा कोई राजनेता नहीं मिला हूँ ना ही मिला है जिन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया है आज तक। और अगर सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर रहे होते राजनेता, तो 72 साल हो जाने, हमारे देश की आज़ादी के हो जाने के बाद भी आज हमारे देश की स्थिति जस की तस है। युवा लोगों की कमी इसलिए है क्योंकि जो हमारे देश में जो अभी करंट नेता हैं उनकी छवि इतनी ख़राब है, जिससे युवा आगे आने को सोचता ही नहीं है। दूसरी चीज़, जो ईमानदार नेता लोगों की बात है, तो मेरे हिसाब से पढ़े लिखे ईमानदार से ज़्यादा पढ़े लिखे नेता लोगों की कमी है। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो हमारा देश जो है 94th लेवल पे है ट्रांसपेरेंसी के लिए पायदान पे। तो मैं नेताओं को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि गुनाह करके कहाँ छिपाओगे, ये धरती ये आसमान सब उसी का है। जहाँ तक रुचि का सवाल है कि उनकी सेवा में होती है मेवा में, तो मोटे भाग के नेताओं की रुचि तो अब मेवा में ही रह गई है, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम ही इतना भ्रष्ट हो चुका है कि अब उन्हें मेवा के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता है। बहुत सीमित ऐसे नेता हैं जो सेवा की ओर ध्यान देते हैं। उनके पद के अनुरूप, समय के अनुरूप, उनके काम के अनुरूप उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। जो कॉन्सेप्ट है इसका वो तो रहे ही कि हाँ, वो काम करते तो काम के लिए उन्हें तनख्वाह मिले, वो फुल टाइम इस काम में लगे हुए हैं तो उनके भी घर परिवार हैं, उसके लिए उन्हें तनख्वाह मिलनी चाहिए। जहाँ तक राजनीति में युवा और ईमानदार नेताओं की कमी की बात है, तो कमी नहीं है, बहुत है, पर उन्हें या तो उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता है या कुछ लोग स्वयं प्रेरित होकर इसमें आ भी जाते हैं तो जो भ्रष्ट सिस्टम है वो उन्हें टिकने ही नहीं देता है। वो उन्हें ये निकेण प्रगेण इस सिस्टम में से बाहर करने के प्रयास में लगा रहता है, इसलिए युवा वर्ग इसमें आने में कम रुचि रखते हैं। तो मैं कहूँगा कि अटल जी रहे ही नहीं, हम किस पे भरोसा करें और किस पे ना करें। देखिए, जहाँ तक मेरी राय है, जहाँ तक मुझे लगता है, हमारे नेता, जहाँ तक हमारी भारतीय सेना है जो हमें सीमा पर सुरक्षा प्रदान करती है, हमें हमेशा अपनी जानों की आहुति देकर कभी हमें मुसीबतों से बचाकर, उस लेवल का हमारे नेता लोग बिल्कुल कुछ काम नहीं करते हैं। हमारे भारतीय सेना की उतनी सैलरी होनी चाहिए जितनी हमारी नेताओं की है। देखिए, ये ऐसा नहीं है, कुछ सेवा समाज के लिए, देश के लिए काम भी करते हैं। सारे नेता एक जैसे नहीं होते कि सिर्फ मेवा पे ही अपनी रुचि रखते हैं। कुछ नेता होते हैं जो सिर्फ अपना घर ही भरते हैं, अपना भंडार ही भरते हैं। देखिए, आज टाइम हमारे समाज पे ऐसा है कि जो पुराने हमारे राजनेता हैं, आगे उन्हीं के बेटाओं को, उन्हीं के फैमिलियों को मौका मिलता है आगे बढ़ने का। नेताओं को टिकट उन्हीं को बांटी जाती है, ना कि युवा जो अच्छे हैं, जो समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सुंदरबनी पे कितने ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी और वफादारी से समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन उन्हें समाज ठुकराता है। 70% नेता जो हैं अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, 30% नेता जो होंगे जो समाज के लिए भलाई का काम और अच्छाई का काम करते हैं, देश की डेवलपमेंट को, देश को आगे ले जाने के लिए सोचते हैं। लेकिन नेताओं को सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए और उनको तनख्वाह भी नहीं मिलनी चाहिए। क्या तो तनख्वाह ही मिल जाए या उनको सुविधाएं मिल जाए, रेल टिकट, हवाई टिकट, दुनिया भर की सुविधाएं उनको मिलती हैं, उसके बावजूद भी नेता करते क्या है? जीतने से पहले जनता के आगे हाथ जोड़ते हैं, उनसे मन्नत समाजत करते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो लोगों को लौटा देते हैं घर से, फूल नहीं रिसीव करते हैं और कह देते हैं घर पर मौजूद नहीं है। जीतने से पहले गरीब का बच्चा अगर लेटरिन भी कर रहा हो तो उसको गोद में ले लेते हैं, जीतने के बाद अमीरों की भी नहीं सुनते हैं। मैं यही अनुरोध करूंगा कि नेता वो होना चाहिए जो जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान कर सके और उनके प्रति जागरूक हो। वैसे तो देखा जाए तो मोटी तनख्वाह की जो बात है ना, तो मोटी तनख्वाह तो नहीं मिलनी चाहिए, इसका क्राइटेरिया कुछ बनाना पड़ेगा। जैसे कि जो भी कुछ काम दिया जाता है नेता को, जो इनके अंदर में जो भी काम आता है उनके हिसाब से उनको सैलरी मिलनी चाहिए। जैसे कि वो काम कैसा हुआ, फिनिशिंग इसका कैसा हुआ, कितने कम तक लॉन्ग पीरियड तक चलेगा, ऐसा उनकी सैलरी क्राइटेरिया, सरकार को कुछ नया एजेंडा बनाना पड़ेगा इसके। आम आदमी को, पब्लिक को ऐसा लग रहा है ना, ज़्यादातर नेता सेवा करने में नहीं मानते, क्योंकि एक उनको जीतने के लिए जितने भी पैसे खर्च किए जाते हैं ना, वो पहले उनका कुछ करना पड़ेगा, ऐसा होता है, पब्लिक ऐसा सोचती है।
तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर नेता तो मेवे में ही है, कुछ कुछ होते हैं नेता जो बहुत बढ़िया काम भी करते हैं, पब्लिक क्या भी सोचते हैं। राजनीति में युवा और ईमानदार नेताओं की कमी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या होता है युवा और ईमानदार आना भी चाहते हैं, लेकिन उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इंडिया की राजनीति दो हिस्सों में बढ़ गई है। एग्जैक्ट हम बता तो नहीं सकते कितने प्रतिशत नेता सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे जो सोशल साइट्स का यूज़ करते हैं ना, फेसबुक वगैरह को भी, उसमें जो डेटा देखते हैं ना, तो ज़्यादातर इश्यू ही नेताओं के मिलते हैं कि कुछ नेताओं ने ये किया, कुछ ने वो किया। मतलब उनसे देखा जाए ना, तो मेरे हिसाब से, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे 75% से ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगा। नेताओं के लिए जो मोटी तनख्वाह का सवाल आता है वो नहीं होना चाहिए, बशर्ते जो जनता के जो ज़रूरत हैं उनकी पूर्ति के लिए सेवा मिलती है, उनके लिए भत्ता मिलता है, वो तो मिलना चाहिए, मगर वो समाज को ना देकर के वो नेता ही खा जाते हैं, ये जगह जगह सुनने में आ रहा है और देखने में मिलता है। नेता की रुचि हकीकत में तो सेवा के लिए होनी चाहिए, मगर वो उलझ जाता है जब चमक देखता है, तब वो मेवा की तरफ भागता है। हकीकत तो जो है सेवा करनी चाहिए समाज की। राजनीति में ईमानदार युवा और नेताओं की कमी इसलिए है कि मेरे देखने में यह आ रहा है कि समाज में आज चरित्रहीन लोगों की ज़्यादा वाहवाही होती है और चरित्रवानों की कम होती है। आज ज़रूरत चरित्रवानों की है, जिस दिन चरित्रवान आगे आ गए वो चरित्रहीन जो नेता बनते हैं वो सब भाग जाएंगे। ऐसा है, सैलरी तो इसलिए होनी चाहिए कि आजकल हाईटेक जमाना हो गया, और जो नेता हैं, MLA हैं, MP है, उन्हें अपने क्षेत्र में घूमने के लिए 4-व्हीलर की भी ज़रूरत होती है, उसका खर्चा भी होता है, टेलीफोन गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलती ही है, और इसके अलावा जो भी कुछ और बहुत खर्चे होते हैं, तो वो सैलरी होनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए। नेताओं की रुचि हाँ, जहाँ तक बात है कि सभी तरह के नेता हैं, होता क्या है 99 आदमी सही है, 1 आदमी गलत है, तो आप लोग उसी की चर्चा करते हो, 99 आदमी की चर्चा नहीं होती। सत्ता का दुरुपयोग, तो अगर मैं ये कहूँ कि हमारे यहाँ 403 सीटें हैं, और उन 430 सीटों में विपक्ष वाले भी हैं, पक्ष वाले भी हैं, जिनकी सरकार चल रही वो ज़्यादातर हैं और बाकी की कम सीटें हैं, लेकिन उनमें भी ज़्यादा आदमी बहुत अच्छे हैं, 1-2 आदमी जो गलत है, गलत आचरण इस्तेमाल करता है, चाहे वो शासन के साथ करता हो, प्रशासन के साथ करता हो, उनकी चर्चाएँ रोजाना TV में आ जाना, वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि युवा ईमानदारी की कमी देखी जा रही है, उस कमी को इस सरकार को भरना होगा, और इस सरकार की अगर मैं छवि के बारे में आपको बताऊं तो बहुत परिवर्तन इस सरकार ने किए, अब उन परिवर्तनों का धीरे धीरे पब्लिक पे क्या असर होगा, मैं तो एक असर बता सकता हूँ व्यापारी होने के नाते, कि नोटबंदी के बाद जो मार्केट के अंदर गिरावट आई, वो गिरावट आज तक उस स्तर पर नहीं पहुँची, और हमारी ग्रोथ जो है वो 7% से ऊपर नहीं गई। नहीं मिलनी चाहिए, ये सरासर गलत है। नेता सिर्फ हमारी सुविधा के लिए काम करते हैं, ना कि अपनी सुविधा के लिए। नेताओं की रुचि सेवा में कम और मेवा में ज़्यादा होती है। राजनीति में युवा और ईमानदार लोगों की कमी इसलिए है क्योंकि उन्हें भ्रष्ट हम ही लोग बनाते हैं। अगर जैसे कि अगर कुछ भी, अगर हमारे यहाँ पे कोई डॉक्टर किसी को दवाई देता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो हमारे गांव के कुछ छोटे मोटे नेता उसको भ्रष्ट बनाने के लिए पहुंच जाते हैं। 70-80% नेता सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। जैसा कि मेरा मानना है कि नेताओं की सुविधाओं के साथ जिस हिसाब से उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, जिस हिसाब से उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं, हर क्षेत्र में उनको जो एक कोटा दिया जाता है लेटर पैड के माध्यम से, तो सुविधाएँ तो ऐसे ही सरकार ने उन लोगों की बहुत ज़्यादा उन लोगों को दे रखी हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको जहाँ तक मेरी जो है मानसिकता कहती है, मेरा देश में युवा नेताओं की कमी हमारे हिसाब से इसलिए है क्योंकि आज के युवा जो हैं वह लगभग बेरोजगार हैं, और आज की राजनीति, आज की पॉलिटिक्स ऐसी हो चुकी है कि एक जब तक आपके पास मोटा रकम ना हो, मोटा पैसा ना हो, तो आप जो है एक अच्छे नेता नहीं बन सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिनके पास पैसा है वो अच्छी राजनीति कर रहे हैं, और युवा बेरोजगार सड़कों पे इधर उधर झंडा लिए पार्टियों के टहल रहे हैं। जी, ऐसा मेरा मानना है कि जब तक नेताओं को वोट की जरूरत होती है तब तक वो अपने आप को पूरा निश्चल, पूरा निष्पक्ष, पूरा अपने आप को बहुत ही ईमानदार प्रदर्शित करते हैं, और जो है वोट मांगने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के लुभावने बातें करते हैं कि हमारी सरकार बनी या मैं नेता बना तो ये दे दूंगा वो। तब तक जब तक कि वो नेता नहीं बनते तब तक वो सेवा की भाव रखते हैं, लेकिन
नेता बनने के बाद मेरा खुद का ऐसा मानना है कि वह मेवा बटोरने में लग जाते हैं। उनकी जीविका के लिए त्रोहा तो मिलनी ही चाहिए, परंतु उनका जो सर्वप्रथम जो लक्ष्य है वो लोगों की सेवा ही होना चाहिए। रुचि तो जो अच्छे राजनीतिक हैं, जो सेवा का लक्ष्य लेके आए हैं, उनके लिए सेवा ही जो है वो सर्वप्रिय है, और बाकी मेवा से उनको ज़्यादा सरोकार नहीं है। क्योंकि राजनीति में जितना वर्चस्व है सब पुराने नेताओं और घात किस्म के नेताओं का वर्चस्व है, इसलिए जो युवा नेता है वो उसे किनारा कृषि कर देते हैं। इसमें तो लगभग 60% जो नेता हैं वो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। देखिए, नेता की तनख्वाह तो मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेता जो है सार्वजनिक सेवा के भाव से आता है, लोगों की मदद करने के लिए हिसाब से आता है, और नेता की मेरे हिसाब से तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। और बाई चांस कोई नेता सांसद या फिर विधायक बनते हैं, उसका प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है, उनको तनख्वाह दी जाती है, और साथ ही साथ जब वो विधायक 5 साल की पूरी हो जाती है विधायक की समय सीमा, तो उसको उनके बाद उनको पेंशन भी दी जाती है। अच्छे नेताओं की मेरे हिसाब से काफ़ी कमी है। जो हक की बात ना कह पाए वो अच्छा नेता नहीं, जो लोगों की मदद ना कर पाए वो अच्छा नेता नहीं, क्योंकि नेता जो है सेवा भाव की वजह से आता है, ना कि लोभ लालच और अपने उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे नेता जो है ना जो समाज को दूषित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि समाज में ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो अच्छे लोगों के साथ आएँ और लोगों की निस्वार्थ सेवा भाव से काम करें। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो टाइम पे वो लोग होते ही हैं अपने पद पे, उस टाइम तो उनको तनख्वाह भी मिलती है, फिर उनके हिसाब से उनको मतलब सुविधाएं भी मिलती है, फिर वापस जब वो नहीं होते पद पे पर वो कंटिन्यू नहीं रहता है, तो मेरा मानना ये है कि वो नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो सब रेगुलरली ही होना चाहिए। मेरा मानना तो मेवा में ही होती है, क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ जिस हिसाब से मतलब वर्कआउट होता है, लोग करते हैं काम, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि शायद उनकी रुचि सेवा में हो, क्योंकि वो तो दिखता ही है कितनी सेवा कर रहे हैं और कितना मेवा खा रहे हैं। और क्या वो अपने अपने आप को और ऐसा समझते कि ये हमारी पेढ़ियाँ है, जैसे पेढ़ियाँ चलाते हैं कास्ट वाइज, ऐसा नहीं होना चाहिए। युवा धन को वन टाइप ऑफ एक तक मिलनी चाहिए, जैसे कि कुछ नया हो सके। युवा धन में जो जो उत्साह होता है वो उत्साह बाहर लाके वो देश की ऐसा कुछ बहुत सारी सेवा कर सके। वो अपनी अपनी चलाते हैं, अपना जो होता है सरकार में, जिसे वो लेते हैं सरकार से, अपनी ही चलाते हैं। और आम लोगों को तो कुछ फायदा ही नहीं है, मिडिल क्लास है वो उमड़े ले रहता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिस पद पर कार्यरत है उसको उसी के अनुसार तनख्वाह मिलनी चाहिए, चाहे वो नेता हो या छोटा कर्मचारी हो या बड़ा कर्मचारी हो, तनख्वाह उसकी पद के अनुसार ही होनी चाहिए। नेता की रुचि सबसे ज़्यादा तो मेवा में है, सेवा में तो बहुत ना के बराबर है, क्योंकि हर आदमी को धन से ज़्यादा प्यार है। 50% नेता ऐसे हैं जो अपनी सत्ता का सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, और 50% नेता ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं हैं कि हमारे अलावा कोई और भी हमसे आगे निकले। नेताओं को सुविधाओं के साथ साथ मोटी तनख्वाह की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनको बहुत सारे फंड्स मिलते हैं जिनसे उनका जो खर्चा है वो चलता है। लेकिन फिर भी नेता जो हैं उनका भी अपना एक परिवार होता है, उसमें उनको कम से कम वेतन जो है वो मिले। मैक्सिमम नेताओं की रुचि जो है वो मेवा में होती है, और इसी कारण से वो राजनीति में आते हैं। जहाँ तक युवाओं की बात है, युवा इसलिए राजनीति में सक्रिय नहीं है क्योंकि भारतीय राजनीति परिवारवाद की राजनीति, और जो बड़े लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, उनकी राजनीति जो है शुरू से ही रही है, और वो लोग नेताओं को अधिक ज़्यादा उभरने का पनपने का मौका नहीं देते हैं। इस कारण युवा जो है राजनीति में पीछे रहता है। 95% नेता जो है सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। नेताओं को मेरे हिसाब से उनको इतनी तनख्वाह जितनी मिल रही है उसके हिसाब से उनकी सुविधा सही होनी चाहिए, या सुविधा माप के करके उनको तनख्वाह कम करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में ईमानदार नेताओं की कमी है। क्योंकि अभी जो नए युवा हमारे आ रहे हैं वो ईमानदार और आ रहे हैं, पर जो बड़े और करप्शन जो नेता पहले से बैठे हुए हैं वो उनको दबा के वो अपने ही करप्शन की बातें चला रहे हैं। क्योंकि जितने हमारे हिसाब से 70-80% नए करप्शन वाले नेता हैं। सैलरी मेरे हिसाब से तो जायज़ है, लेकिन जितनी सैलरी उन्हें दी जा रही है वो नाजायज़ दी जा रही है। एक तो उन्हें सारी सुविधाएँ टोटली फ्री दी जाती हैं, ऊपर से उनकी सैलरी इतनी है। मेरा मानना यह है कि सैलरी एक नॉमिनल होनी चाहिए,
और नॉमिनल के बाद उनका एक भत्ता फिक्स होना चाहिए जो जनता के यूज आ सके, और उसके बाद उनका हिसाब लिया जाए सरकार के द्वारा हर नेता से। मेरा मानना ये है कि नेता की जो मतलब मेरा मानने से नेता की रुचि सेवा में ही होनी चाहिए, लेकिन जो हाल फिलहाल का माहौल है, कई नेता ऐसे हैं जिनकी सेवा में रुचि ना होके अपने में रुचि है, अपने को आगे बढ़ चढ़ के दिखाना होता है, प्रशासन पे दबाव डालना, ये सब गलत है। आज के हालात में मेरे मानने से 60 और 40 का रेशियो है, 60% नेता तो दुरुपयोग कर रहे हैं, 40% नेता ही सही हैं केवल। जी मोटी तनख्वाह है क्या, इतने भ्रष्ट लोग नेता हो गए हैं हमारे इस देश में, नहीं बल्कि पूरे उसमें कि ज़्यादा में ज़्यादा तनख्वाह आती है ऊपर से 90% और 100% उसमें जनता को देते हैं और 10% वो खाए आते हैं, बाकी अपना सम्मान खाए लाभ हो रहा है, बल्कि नेता लोग सब अपने आप में ही अंदर खाए आते हैं। ज़्यादा में ज़्यादा जनता को नेता लोग ज़्यादा में ज़्यादा 10% काम करके दे रहे हैं, जिससे कि कोई जनता उनसे पिछड़ ना जाए उनके पक्ष में। इसलिए अब तो खैर सेवा में तो बहुत कम है, अब तो मेवा में ज़्यादातर है, क्योंकि अब लोग जो हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं कि कोई अगर नेता आया है तो भैया आओ 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 कि ज़्यादा ज़्यादा उनकी मेवा करो, सेवा तो बहुत कम है, उनमें पैसा भरो। आजकल नेता लोग अपने पेट ज़्यादा भर रहे हैं, इसलिए उनकी सेवा ज़्यादातर मेवा में हो रही है। हमारी राय में तो नेताओं को सुविधा के साथ मोटी तनख्वाह मिलने का सवाल नहीं, नेताओं को लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि नेता तो वो होता है जो खुद दुविधा में पड़ के जनता को सुविधा दे। लेकिन बड़े वैसे आजकल शर्म की बात है कि आज के जो नेता है वो जनता को दुविधा में डाल के खुद सुविधा लेने में अपनी भलाई समझते हैं, और जनता उनकी चाहे जितनी मर्जी दुविधा में हो उनको सुख सुविधा चाहिए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जिसका तो सीधा सीधा जवाब है कि हर नेता की आजकल रुचि सेवा में कम और मेवा में ज़्यादा होती है। अगर राजनीति में कोई भी ईमानदार नेता आएगा इन राजनीतिक पार्टियों के फंड्स में कमी आ जाएगी, तो वो कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं चाहती, क्योंकि इनके फंड्स कहाँ से आते हैं, जब इनका नेता ही बेईमानी करके जनता को लूट के और इनके फंड्स बढ़ता है फिर ये उसको टिकट देते हैं। ये आम जनता को या आम बंदे को टिकट देके भी राजी नहीं है, ये यही चाहते हैं कि हमारा नेता जितना करप्ट हो हम उसको उतनी बार टिकट देंगे, क्योंकि इनको अपने फंड्स की पड़ी है, इनको जनता की नहीं पड़ी है। हर नेता सत्ता का दुरुपयोग करता है, मेरे नज़रिए से तो 99% नेता सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए है सर कि मैं बताना चाहूँगा चैनल के माध्यम से, ये हमारा जो मतलब देश है इसमें प्रजातंत्र सत्ता है, और प्रजातंत्र में जिसकी अधिकता होती है वो उनका वर्चस्व होता है और वो यहाँ आते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूँगा कि मतलब आज जो है हमारे देश में अधिकांश नेता भ्रष्ट और बेईमान है, जो अपने धन की तिजोरी भरना चाहते हैं, ना कि देश की सेवा करना चाहते हैं, ना कि समाज की सेवा करना चाहते हैं। क्या लगता है? नहीं मिलना चाहिए, क्यों कि मतलब उनके पास तो बहुत सारे इनकम सोर्स हैं, वो सारे जो सरकार की तरफ से उन्हें इतनी सुविधाएं दी जाती हैं कि उन्हें वो ही काफ़ी हैं, उनको अच्छे मतलब तनख्वाह की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छी तनख्वाह की आवश्यकता केवल निर्बल वर्ग के लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए है, ना कि अन्य लोगों के लिए। नेताओं की रुचि अधिकांश की मेवा में है, ना के बराबर लोगों की मतलब सेवा में है। जैसे मान लिए हमारे अब जो स्वर्गीय अटल जी हैं, उन्होंने पूरा अपना जीवन देश के लिए निछावर कर दिया, ऐसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री आज मोदी जी हैं, जो कि वो पूरे अपने सब कुछ मतलब देश के ऊपर निछावर करने के लिए तैयार। जी नहीं, नेता जब भी खुद की पोस्ट ऊपर होते हैं तभी उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जब पोस्ट उनकी खत्म हो जाती है तब उनको ये फैसिलिटी नहीं देनी चाहिए। हम दोनों में होती है, क्योंकि जब पोते खुद को पोजीशन पे आ जाते हैं तो वो सेवा और मेवा करना सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ मेवा खाने में इंटरेस्ट रखते हैं। क्योंकि हम जब वो नेता को चुनते हैं तब उनकी क्वालिफिकेशन भी नहीं देखते, डिग्री भी नहीं देखते, सिर्फ उनको चुन लेते हैं और फिर वो आम आदमी को भूल जाते हैं और अपने ही काम में लगे रहते हैं। सभी करते हैं, जब वो अपनी पोस्ट पे आ जाते हैं तो सब दुरुपयोग ही करते हैं, कुछ काम करते नहीं और आम आदमी को भूल जाते हैं, सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं वो। बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि नेता आम आदमी के लिए होता है, जो आम आदमी की परेशानी समझेगा वही नेता बनेगा। 95% मेवा में होती है, 5% सेवा में होती है। उसका कारण वही है के जातिवाद, धर्मवाद और परिवारवाद। जो नेता होगा उसका बच्चा ही नेता बनने की कोशिश करता है, और जो आम आदमी होता है उसे वही चांस मिलता रहे, वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि उसे जातिवाद का शोषण होता है। 75 से 80% के नेता सत्ता का दुरुपयोग करते हैं,
और जो 20% बचे है वो वही ईमानदार नेता है। नहीं, जो इन्हें सैलरी मिलती है नेताओं को या जो मिलती है वो जायज है, क्योंकि जो नेता होते हैं वे पब्लिक के लिए उन्हें कार्य करने पड़ते हैं और आना जाना पड़ता है। तो मैं मानता हूँ कि जो इन्हें फिलहाल रकम मिलती है वो लगभग सही है। सही जी, ज़्यादातर नेता जो होते हैं वो नेता पब्लिक के लिए होते हैं। अगर उनके साथ पब्लिक हो तो वे नेता हैं, और उनके साथ पब्लिक नहीं होगी तो वे नेता नहीं होंगे। पब्लिक उसी नेता के साथ लगती है ज़्यादा, जो नेता सही होता है, पब्लिक के काम कराता है। कुछ नेता होते हैं जो पब्लिक को भ्रमित करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन ऐसे नेता लंबे समय तक नहीं चल पाते, जल्दी पब्लिक उनका साथ छोड़ देती है। हाँ, राजनीति में युवाओं की बहुत कमी है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, युवाओं का बहुत कम मौका मिल रहा है, ये बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। युवा ही हमारे देश की शक्ति है, युवा ही हमारी शक्ति है। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारे युवाओं की सोच है वो बहुत अच्छी सोच है, उनकी एक तरक्की करने की सोच है, उनकी सोच में बहुत बड़ा बदलाव है। तो युवाओं अगर आगे लाएंगे तो हमारा देश आगे बढ़े। सुविधाओं के साथ इन्हें कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, मोटी रकम नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि नेताओं का काम है सेवा भाव, निःशुल्क काम करने का काम है, लेकिन ये लोग मोटी रकम के चक्कर में गुंडागिरी, अपराध, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और अपने तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं। जनताओं का ये गला घोट रहे हैं, जनता का हक मार रहे हैं और अपनी मोटी तनख्वाहें या मोटी सुविधाएँ ले रहे हैं। नेताओं की रुचि तो माल का कमाने में होती है, मेवा में नहीं होती है, मेवा में होती है, सेवा भाव में नहीं होती है। ये चाहते हैं कि जितना हम सत्ता का दुरुपयोग करके धन लूट सकते हैं, कमा सकते हैं, उतना कमाते हैं, मेवा कमाते हैं और लोगों को धक्का देते हैं जब इन्हें ताकत मिल जाती है। तो पुराने जो हमारे भ्रष्ट नेता हैं वो नए अच्छे लोगों को नहीं बढ़ने दे रहे हैं। भ्रष्टाचार इसीलिए बढ़ा हुआ है कि नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, पुराने लोग अपने काम पे कामयाब। सारे नेता सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसे मौका मिलता है वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है, कतई वो 1% भी जनता के हित के बारे में नहीं सोचता है, जितना कर सकता है उतना वो अपना कर रहा है। ये नेताओं को कुछ ना कुछ तो सुविधा चाहिए, अगर उन्हें सुविधाएं ज़्यादा दी जा रही हैं तो उसको कंटेन करके उनको तनख्वाह दी जाए, अगर तनख्वाह दी जा रही है, ज़्यादा दी जा रही है, तो फिर सुख सुविधाएँ जो है वो कंटेन कर दी जानी चाहिए, क्योंकि वो नेता का जो कर्म है वो समाज की सेवा के लिए है। नेता की रुचि जहाँ तक है, जब वो इस राजनीति में आता है तो उसका उस समय भी कथन यही होता है कि समाज सेवा। जहाँ तक मेवा की बात है, वो मेवा मेरे ख्याल से उस तरफ नेता की रुचि नहीं होनी चाहिए, सर्वप्रथम समाज ही समाज है, समाज की सेवा करना ही उसका सर्वप्रथम धर्म है। पीछे सर्वे आया था जिसमें हिंदुस्तान को युवा देश कहा गया था, क्योंकि इसमें 60% से ऊपर युवा अवस्था के लोग हैं, तो ओबियसली इस प्रकार से करना चाहिए कि जो अनुभवी लोग हैं उनसे युवाओं को आगे करके उनको भी अनुभव देना चाहिए, ताकि समाज और बेहतर हो सके। तो ये थी जनता की राय, फिर किसी मुद्दे को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।